टायर लगा रहे अभी, टायर का काम हो गया। चैनल तो आप लोग कैसे हो, आप लोग से बढ़िया होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज अपन जाने वाले डेक पर गाड़ी का सर्विसिंग करने, जो मेरी गाड़ी का सर्विसिंग बहुत दिनों से नहीं किया और इंश्योरेंस भी करना है, तो चलो चलते हैं। और अब कितना खर्चा आया क्या वो आपको आगे आखिर में बताऊंगा। तो मुझे बताना कि सर्विसिंग सेंटर में करनी चाहिए बाहर करनी चाहिए, मतलब खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है सर्विस सेंटर या बाहर। तो चलो चलते हैं डेक्कन। अपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। हम लोग अभी डेक्कन में आए हैं और डेक्कन में बहुत ट्रैफिक है और मेरा सर देख सकते हैं अभी हम बहुत ट्रैफिक लगा है, एक घंटा हो गया हम ट्रैफिक में फंसे। और पुणे में ना दिन का टाइम बहुत ट्रैफिक होता है और डेक्कन में तो बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं और अभी और आधा घंटा लगेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत है मेट्रो। तो अभी मेट्रो का भी काम चालू है ऊपर, इसकी वजह से लोग अभी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। जब मेट्रो बन जाएगा ना तो कम ट्रैफिक हो जाएगा ज़्यादा। में आ गए हम लोग, छोटा सिग्नल। यहाँ पर जगह ही नहीं है शोरूम में गाड़ी लगाने के लिए, भीड़ है। फाइनली गाड़ी का वॉशिंग चालू हो गया, देखो गाड़ी वॉशिंग करके हो गया है। तो देख सकते हैं गाड़ी वॉशिंग हुआ और अभी सर्विसिंग के लग गया। देख सकते हैं अभी मतलब जगह नहीं है तो लग रही है गाड़ी इधर वॉशिंग करने वॉशिंग के लिए, जगह ही नहीं, पूरा पैक है, एक खाली है शायद से लगा रहे हो। तो फाइनली एक गाड़ी का टायर लगा रहे हैं अभी, तो टायर का काम हो गया शायद से, देख सकते हैं आप लोग टायर फिटिंग कर रहे हैं, मतलब टायर खोला था शायद से, लाइनर वगैरह चेंज कर रहे थे, ड्रेसिंग वगैरह। पूरा तो काम हो चुका है और लंच ब्रेक के लिए गए, तो आप देख सकते हैं पूरा काम हो चुका है, मतलब थोड़ा सा बाकी है शायद कुछ तरी। वो लोग लंच के लिए गए ना, इसलिए वेटिंग हमको रुकना पड़ रहा है, नहीं तो गाड़ी का काम हो गया, हम जाते थे अभी घर में जाना। देख सकते हैं गाड़ी फिलहाल तो सर्विसिंग हो गई है, बस अभी उनका लंच टाइम हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी अंदर का मतलब पॉलिश वगैरह, तो वो भी लंच के लिए गए, तो हमने सोचा हम भी कुछ खा लें, तो समोसा खाएंगे और चलेंगे घर, तो गाड़ी लेके चलते घर। सीट का भी टूटा है वो कुछ तो भी, वो भी बैठ नहीं रहा, तो बैठने की कोशिश कर रहा है बैठ नहीं रहा, तो अभी देखते हैं कि नहीं तो नया लॉक डालना पड़ेगा शायद से। तो अभी मैं तो सुबह 9 बजे आया था, अभी बज रहे 2:30 बज रहे शायद, 2:30 बज रहे, बहुत टाइम हो गया। तो अभी देखते हैं लॉक बैठे तो ठीक है, नहीं तो नया लॉक डालेंगे, नहीं तो फिर चले जाएंगे वैसे, बहुत टाइम हो गया। देखो तेरी खड़े अभी तक सुबह, जब इसने खोल दिया देखो ये लॉक ख़राब हो गया था शायद, तो गाँव गए थे तो लोगों ने इसको खींच खींच के गाँव के तो ख़राब कर दिया, मतलब उसका जो वायर होती है दिखी वाली ये निकल गई है, उसको बैठने बैठ ही नहीं रही, तो ट्राई कर रहा है बैठ गए तो ठीक है, तो लॉक ही चेंज करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं बैठे तो बैठी नहीं तो फिर चलते, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं कि उसकी लॉक की, पन जस्ट ट्राई कर रहा है वो,
लग गया तो ठीक है। बज रहे हैं तो अभी मैं अपना रूम का देखने दो पहले, अभी बज रहे हैं 3:30, तो 3:30 बज रहे हैं, हम लोग आए 9 बजे, 9 बजे आ गए और गाड़ी का अभी तक काम, मतलब अभी वो गाड़ी छत पे लाई है साई सेंटर डेक्कन में, तो छत पे लाई है और नीचे उसका सर्विसिंग वगैरह सब हो गया, तो अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, मतलब पॉलिश वगैरह और क्या कर रहे हैं, बटन भी बस लगाना बाकी है उस सीट का, वो भी हो रहा है, देख सकते हैं अपन तो पॉलिश कर रहे हो। अभी मैं दूसरे गाड़ी में बैठा हूँ वैगनार में, और बहुत टाइम हो रहा है यार, तो अभी इधर के पता नहीं क्या मालूम है, कुछ 4 बजेंगे मेरे को, 4:30, क्योंकि यहाँ से नीचे लेके जाने में अभी 3:30 तो हो ही चुके हैं, नीचे जाने में मतलब 4:30, घर जाने को 6 बज जाएंगे, तो ट्रैफिक अभी आपको मालूम है पुणे में बहुत ट्रैफिक होगा रात के टाइम पे, तो बराबर मेरे को 6 बजेंगे घर जाने के लिए, बहुत टाइम लगने वाला है। पर मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, बस आपको मालूम होगा मैंने एक वड़ा पाव नहीं सॉरी समोसा खाया है, समोसे पर मैं दिन भर समोसे पर हूँ, चलते देखते कुछ मिला अच्छा खाने को तो खा लेते और फिर चलते, हो गया शायद सुन रहा चालू है पॉलिश वगैरह, चलते अपन। अरे वैगनार में बैठा हूँ, बाहर बहुत धूप है, ये देख सकते हैं आप मैं छत पे हूँ, साई सर्विस का बोर्ड है, देख साई सर्विस, बाकी सब गाड़ियाँ गाड़ियों पर है। चलो चलते हैं, अभी देखते कितना टाइम लगता है और चलते हैं आगे। सो गाइस रात के अभी कितने बज रहे, रुको 6:30 बज गया और हमको अभी गेट पास मिला है, तो अभी थोड़ा टेक्नी वगैरह चेक कर लेते हैं, अभी चलते हैं, टिप्पणी वगैरह चेक करना चाहिए सर्विसिंग होने के बाद, तो अभी चलते हैं। फाइनली हमारा गेट पास 6:30 बजे मिला है, अभी गाड़ी ठीक हो गई, चलो चलते हैं अभी घर, और गेट पास वहाँ पर दिखाना पड़ता है, चलो भाई चलो सर, चलो चलते हैं अभी, बहुत टाइम हो गया, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया कुछ भी नहीं, बहुत टाइम लगा गाइस, बहुत टाइम, बहुत मतलब बहुत, तो देख सकते हैं अभी धूप वगैरह कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं अभी घर, बहुत टाइम रुका मिला। तो फाइनली हो गया, अभी चलते अभी घर, इधर आ कुट्टा का पेट्रोल डालने का है थोड़ा, पेट्रोल डालवा रहे, साई सर्विस के जस्ट बाजू में पेट्रोल पंप है, देखो अभी चलते हैं। A few moments later. So guys, finally हम लोग घर पहुँच चुके हैं, तो बोला था आपको मैंने कि 8 बज जाएंगे, तो मेरे को 8 ही बज गया आने के लिए, तो चलो चलते घर पे, आने के लिए 8 ही बज गए मेरे को आज, सुबह 9 बजे गया हुआ आदमी 8 बजे आ रहा है, तो चलो चलते ऊपर, बहुत टाइम हो गया, तो भाई ये करेगा तो पैसा लगा आपको ब्लॉग मेरा ज़रूर कमेंट में बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, तो